हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो अपने इस चैनल पर मैं मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर और कार या ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियोस इस पर डालता रहता हूं। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो पैसा भी कम खर्च करना चाहते हैं और कंबाइन हार्वेस्टर का मज़ा लेना चाहते हैं या उसको मतलब यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि रेंट पर चलाने के लिए या खुद पर्सनल वर्क के लिए। तो ज़्यादा पैसे भी उन्हें खर्च ना करने पड़े और काम भी उनका होता रहे जैसे कंबाइन हार्वेस्टर से होता है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी वीडियो। तो आज की जो ये वीडियो हमारी होने वाली है वो महिंद्रा की जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर आती है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूँगा कि जो इसके दो टाइप के इसके वर्जन आते हैं, जैसे एक तो 2WD टू व्हील ड्राइव होता है और एक होता फोर व्हील ड्राइव। तो टू व्हील ड्राइव में लगभग स्पेसिफिकेशन दोनों का सेम ही होता है, बस उसमें क्या है कि वो 4x4 होता है, ये बस टू व्हील ड्राइव होता है। तो इसमें जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो टू व्हील ड्राइव की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पहले कंबाइन हार्वेस्टर को देख लें, टू व्हील ड्राइव कैसा कंबाइन हार्वेस्टर होता है। तो थोड़े से इसके सिनेमैटिक्स आप इसमें देख लें, उसे एंजॉय करें, उसके बाद फिर इसके स्पेसिफिकेशन टेक्निकल चीज़ों पर आते हैं और इसका प्राइस भी मैं बताऊंगा कितने की ये पड़ रही है, लास्ट में इसका प्राइस बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंजॉय करें। Be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अब चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं और क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं और कितना इसका प्राइस है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो महिंद्रा इसमें वो देता है, तो इसका जो नाम है वो महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर करके है H12 2WD। तो जिसमें कि इन्होंने कुछ अपना वो भी दिया है कि फास्टर कवरेज है, लेसर ग्रेन लॉस है, मतलब दाना कम खराब करती है, लोअर फ्यूल कंजप्शन है और एबिलिटी टू हार्वेस्ट अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, मतलब सुबह सुबह चला सकते हो और ज़्यादा रात तक भी इसको यूज़ कर सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अब इसमें जो बात करेंगे कुछ फीचर्स की बात मैं बता दूँ, जैसे कि सबसे पहला फीचर आप इसमें देख रहे होंगे वीडियो में, तो इसका जो कटर बार ट्रॉली टायर एंड ट्रैक्टर फ्रंट टायर ऑफ सेम टाइप, तो जो इसका ट्रॉली का और ट्रैक्टर के अगले टायर हैं वो बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। अगली चीज़ पाते हैं डुअल पुली, इसके अंदर जो दो पुली दी हुई हैं, मल्टी स्पीड ऑप्शन फॉर ब्लोअर एंड सीप्स, सीप्स के लिए अलग अलग दो तरह की पुली दी हुई हैं। फिर तीसरे पॉइंट पे इसके आते हैं हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है कंबाइन हार्वेस्टर का, 418 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। एडिशनल फ्यूज बॉक्स भी इसके अंदर अलग से दिया गया है और विंडोज़ फॉर सेटिंग एंड इंस्पेक्शन, आपको अंदर की सेटिंग देखने के लिए विंडो टाइप की दी हुई हैं, उसे बंद भी कर सकते हैं, खोल के देख सकते हैं अंदर का कितना हमें एडजस्ट करना है, क्या करना है। तो ये भी एक अच्छा इसका फीचर है। थ्रेशिंग बैरिंग कवर की बात कर लें तो जो थ्रेशिंग का बैरिंग के कवर हैं वो दिए गए हैं, जो धूल वूल उसके अंदर ना जाए। हाई क्वालिटी बोल्ट्स और नट्स जो है इसमें हाई क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। कवर ऑन क्रैंकशाफ्ट फॉर एलिमिनेटिंग एंड स्ट्रच चोकिंग,
जो क्या ये भूसा वगैरह उसमें चोक ना हो, जो हम इसका वो निकलता है पीछे को, वो इसकी जो क्रैंक होती है स्ट्रॉ की, तो उसमें ना फंसे, उसका अलग से कवर दिया गया है उसे ढकने के लिए। टूल बॉक्सेस इसमें दो दिए गए हैं, एक साइड में भी दिया गया है जो नॉर्मली सभी में आता है, और एक ऊपर भी दिया गया है। एडिशनल लाइट्स फॉर नाइट वर्किंग, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स भी दी गई हैं जो कि रात में भी आप आसानी से इसको चला सकते हो। सेफ्टी गार्ड विद फाइन मैश, चैन वगैरह पे सेफ्टी गार्ड दिया गया है जिससे कि किसी को कोई भी नुकसान ना हो। सुपीरियर कटर बार विजिबिलिटी, और ऊपर से ट्रैक्टर पर इस पे बैठ के जब आप देखेंगे कटर बार को, तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहती है। तो फ्रेंड ये तो थे इसके फीचर, अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे। स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले इसका जो मॉडल नेम है महिंद्रा हार्वेस्टर मास्टर S12 2WD, टू व्हील ड्राइव है। ट्रैक्टर इस पर जो यूज़ किया गया है वो अर्जुन नोवो 605 DI वो यूज़ किया गया है, और जिसकी इंजन की हॉर्स पावर जो है वो 57 horsepower का ट्रैक्टर है ये, और टू व्हील ड्राइव है ये। कटर बार असेंबली की बात कर लें तो वर्किंग विथ इसकी जो है 3580 mm की है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ, ये इसका जो कटर साइज़ है, जैसे कि नॉर्मली कंबाइन हार्वेस्टर में जो है 14 feet का कटर बार होता है, तो इसका जो कटर बार साइज़ है वो कम है, लगभग नियर अबाउट 12 feet के करीब में इसका कटर बार साइज़ है। कटिंग हाइट की बात कर लें 30 से 1000 mm की है। कटर बार ओगर का डायमीटर जो है 575 mm इंटू चौड़ाई जो है इसकी 35-40 mm की है। नंबर ऑफ नाइफ ब्लेड्स इसके अंदर 49 है। नंबर ऑफ नाइफ गार्ड्स इसके अंदर 24 है। नाइफ स्ट्रोक्स इसके अंदर 80 mm का है। रील असेंबली की बात कर लें तो रेंज ऑफ स्पीड एट इंजन रील पर मिनट जो है वो इसका मिनिमम 30 है, और मिनिमम रील पर मिनट 37 भी है। रील डायमीटर इसका 885 mm का। थ्रेशर मैकेनिज्म की बात कर लें तो धान के अंदर जो है थ्रेशर ड्रम, उसकी चौड़ाई 11-20 mm की है। डायमीटर ऑफ थ्रेशर ड्रम 592 mm का। रेंज ऑफ स्पीड एट इंजन राउंड पर मिनट जो है इसका वो मिनिमम 600 है और 800 है। कनकेव की बात कर लें रेंज ऑफ एडजस्टिंग क्लियरेंस, तो फ्रंट में जो है 12-30 mm का है, और रियर में 16-40 mm का। एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट लीवर इज प्रोवाइडेड एट राइट हैंड साइड ऑफ ऑपरेटर फॉर एडजस्टिंग द क्लियरेंस, वो भी कर सकते हैं। क्लीनिंग सीप्स की बात कर लें तो नंबर ऑफ अपर सीप्स इसकी 2 हैं। अपर सीप एरिया जो MQ है, M2 है वो 1.204 है, और लोअर सीप एरिया जो है 1.156 है। तो स्ट्रॉ वॉकर में नंबर ऑफ स्ट्रॉ वॉकर इसमें 5 हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स 4 हैं, और लेंथ की बात करें तो वो 35-40 mm की लेंथ है स्ट्रॉ वॉकर की, और जो इसका विड्थ है वो 210 mm है। ग्रेन टैंक कैपेसिटी की जो धान की है वो 750 किलोग्राम है, और ग्रेन टैंक जो गेहूं वगैरह या अदर है वो 1.2 m³ है, मतलब कि 1200 किलोग्राम के करीब में है। टायर की बात कर लें तो फ्रंट ड्राइव व्हील्स जो है उसके 16-28 के 12 PR के टायर है, मतलब जो ट्रैक्टर में जो अर्जुन 605 के अंदर जो आते हैं वही टायर इसमें हैं, उसी ट्रैक्टर के टायर इसमें लग जाते हैं, लगे हुए हैं। और रियल स्टेयरिंग व्हील जो है वो 7.5 16 8 RPM के टायर हैं, जो ट्रैक्टर में फ्रंट वाले टायर होते हैं वही इसके टायर हैं। ओवरऑल डायमेंशन की बात कर लें, लेंथ विद ट्रेलर और विदाउट ट्रेलर, तो 10,930 mm का तो इसका ट्रेलर के साथ है लेंथ, और विदाउट ट्रेलर 6,630 mm की है। विड्थ की बात कर लें तो 25-60 mm की है, और हाइट की बात कर लें तो 37-30 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस 422 mm का है। मास ऑफ ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन जो है इसका हार्वेस्टर जो इसका वजन है वो 6,750 किलोग्राम है। अब चेचिस विड्थ की बात कर लें तो 1.1684 मीटर है इसका, और ट्रैक विड्थ की बात कर लें तो फ्रंट जो है वो 2090 mm का है, और रियर जो है 1920 mm का है। मिनिमम टर्निंग डायमीटर जो है वो इसका, अगर ब्रेक लगा करके इसको घुमाते हैं तो 7.8 से 8 मीटर तक है, और विदाउट ब्रेक के अगर आप घुमा रहे हैं तो 13.6 से 13.9 तक है। तो ये तो इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसकी बात हो गई। अब इसमें जो एडऑन्स में आप करा सकते हैं ऐड, एयर कंप्रेशर अलग से लगवा सकते हैं, व्हीट थ्रेशर किट वो अलग से सब कुछ रहेगा।
तो ये तो इसका वो है, और काफ़ी एक्सेस टू स्पेयर्स और एक्सेस टू सर्विस, अट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम्स और 6 मंथ वारंटी। फाइनेंस भी ये लोग करके देते हैं महिंद्रा वाले। तो अब ये इसका जो मैं इनका एड्रेस वगैरह रहता है वो तो महिंद्रा का एड्रेस तो ज़्यादातर डीलरशिप हर जगह मिल जाएगी आपको, तो उसे कोई बताने की इतना ज़रूरत नहीं है। और वैसे ये इस पर एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, चाहे तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस जैसे कि इसमें जो है, ये जो प्राइस है वो 12 फिट कटर बार के साथ है, तो लगभग 17 लाख से 18 लाख के बीच में ये पड़ जाती है। इसमें आपको फाइनेंस की फैसिलिटी भी वो लोग देते हैं, तो आप चाहें तो फाइनेंस भी करा सकते हैं। और काम लगभग ये भी उतना ही करती है, थोड़ा कम रहता है, कटर बार साइज़ छोटा है। लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, बलकार कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो महिंद्रा का ट्रैक्टर, यही जो नोवो 605 है, इसको हम बलकार पे यूज़ करके दे देते हैं। ये भी ऐसा कुछ है, वो 14 फिट कटर बार में हो जाती है, जिस पे वो भी अच्छे से काम करता है। तो चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर 14 फिट में चाहिए आपको तो वो भी कर सकते हैं। अर्जुन नोवो को बलकार पर लगा करके वो दे देते हैं, तो ये भी एक सिस्टम सही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।